बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजेज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिस्टोरिकल नॉलेज के चैनल के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला। आज की वीडियो का मौजू सलजूक सल्तनत पे है। आज की वीडियो में हम आपको सलजूक सल्तनत का फैमिली ट्री बताएंगे कि द ग्रेट सलजूक एम्पायर कहाँ से बने थे और सलजूक सल्तनत ऑफ रोम कहाँ से बनी थी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द ग्रेट सेल्जूक एम्पायर सेल्जूक बेग से शुरू हुई थी, जो आगे जाकर तकसीम हो गई थी, लेकिन उनकी तफसील में आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, सेल्जूक बेग के आगे दो औलादे थी, अरसलान और मीकाई। अरसलान एक जंग में कैद हो गया था और मीकाईल को सलजूक बे ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। सलजूक बे ने मीकाईल के आगे तुगरुल बेग, जो सुल्तान तुगरुल, जिनको सलजूक सल्तनत का पहला सुल्तान भी कहा जाता है, उनको अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। तुगरुल बेग ने बगदाद में खलीफा की कुर्सी बचाकर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वहाँ पे बगावतें उठने लग गई थी, जिसकी वजह से खलीफा बगदाद में सलजूक सल्तनत का डर बैठ गया था। सलजूक सल्तनत तुगरुल बेग के आगे उनका जानशीन कोई नहीं था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसलिए उन्होंने चुगरी बेग के बेटे अल्प अरसलान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। दूसरी जानब जो अरसलान थे, उनके बेटे करतलमश भी एक जंग में कैद हो गए थे, लेकिन अरसलान कैद में ही मर गए थे, लेकिन करतलमश वहाँ से भाग गए थे और करतलमश ने अल्प अरसलान से बगावत कर दी, और यहाँ अल्प अरसलान ने करतलमश को कत्ल कर दिया और वहाँ से एक सल्जूक सल्तनत ऑफ रोम की बुनियाद डली, जिसका पहला लीडर सुलेमान बना। सुलेमान तुगरुल बेग के वजीरों में से ही था, लेकिन उसने भी अल्प अरसलान से बगावत करके अपनी एक सल्तनत की बुनियाद डाली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि उसके आगे उसका बेटा सुल्तान खलीज अरसलान ने जब कोनिया को अपना पाया तख्त बना दिया था, तो वो सल्तनत बहुत ताकतवर बनी। दूसरी तरफ देखा जाए तो सुल्तान अल्प अरसलान वही हैं जो मागलट के मकाम पर, जिन्होंने अनातोलिया का बहुत सा इलाका अपने अंडर ले लिया था, जिन्होंने अल्प अरसलान अपने मार्के के एक साल बाद ही वफात पा गए थे। उनके उनके जानशीन मलिक शाह ने अपने वजीर निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर अपनी एक इंतहाई ताकतवर अपनी सल्तनत की बुनियाद डाली। सुल्तान मलिक शाह ने दो शादियां की हुई थी, जिनकी वजह से उनके पांच बेटे थे। एक खलीफा बगदाद की बेटी से उन्होंने भी शादी की हुई थी। यह एम्पायर दो हिस्सों में तकसीम तो हो गई थी, लेकिन उनकी ताकत अभी बहुत ज़्यादा रहती थी मलिक शाह के दौर में, क्योंकि मलिक शाह के दौर में सलजूक सल्तनत अरूज पे थी और उसका कोई जवाल नहीं था। मलिक शाह ने अपनी ज़्यादातर कामयाबियाँ और फतूहाल बाज़ंतीनियों की तरफ से रखी, क्योंकि वही थे जो बार बार मलिक शाह को तंग करते रहते थे। मलिक शाह ने अरेबिया और पर्शियन का कल्चर अख्तियार करना अच्छा समझा। मलिक शाह के बाद उनके बेटों वफात के बाद, यानी कि कहा जा सकता है 1092 में सारी सल्तनत जवाल परस्त हो गई। सुल्तान मलिक शाह ने अपना जानशीन सुल्तान बैरक को हुआ, लेकिन सुल्तान बरकिया खान को किया, लेकिन सुल्तान महमद ने उनसे तख्त को छीन लिया। सुल्तान महमद के बाद सुल्तान बरकिया खान तख्त पर बैठे। सुल्तान बरकिया खान बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद सुल्तान महमद तख्त पर बैठे, उनके वो भी अच्छे सुल्तान, लेकिन एंड पे जो सुल्तान बैठे वो थे सुल्तान अहमद संजय, जिन्होंने फतुहात का सिलसिला शुरू तो किया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। उसके बाद वो सुल्तनत खुर्रम शाह ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब दूसरी तरफ आते हैं कि सुल्तनत ऑफ रोम। सल्तनत ऑफ रोम सलजूक सल्तनत की एक दूसरी शाख थी।
जो सुल्तान सुलेमान ने बगावत के तौर पर शुरू किए थे। सुल्तान सुलेमान के बेटे कलीज अरसलान ने एक अलग सल्तनत की बुनियाद डाली। उन्होंने अपनी ज़्यादातर फतूहात जो थी वो बाज़ंतीनियों की तरफ से मतवजा रखी, क्योंकि वही उनके बॉर्डर के पास रहते थे। कलीज अरसलान के दौर में सलेबी जंगों का आगाज़ हो चुका था, जिनकी वजह से उनकी सल्तनत बहुत ही जवाल परस्त होती जा रही थी, यानी कि ख़त्म ही होती जा रही थी। लेकिन सुल्तान कलीज अरसलान ने कोनिया को अपना पाया तख्त बनाकर बहुत मजबूत सल्तनत की बुनियाद डाली, जो आगे जाकर बहुत लेट ख़त्म हुई। सुल्तान कलीज अरसलान ने फातिमी खलीफाओं और दूसरे खलीफाओं से मदद मांग कर सुन्नी शियों की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था अपने इलाकों में। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चनों को भी अपने इलाकों से निकाल दिया था, और उन्होंने यरूशलेम पे भी कब्ज़ा करने की कलीज अरसलान ने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे खलीफाओं का पहले से ही कंट्रोल आ चुका था, जिसके सलजूक सल्तनत वहाँ पे ना जा सकी। लेकिन सलजूक सल्तनत का एक नया दौर शुरू होने वाला था। सुल्तान कलीज अरसलान की वफ़ात 1107 में हो चुकी थी। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान मलिक शाह ऑफ रोम बैठे, यानी कि सुल्तान मलिक शाह ऑफ रोम। वो सुल्तान मलिक शाह जो हम दूसरे की बात करते हैं, वो ग्रेट सलजूक के सुल्तान थे। ये सुल्तान मलिक शाह ऑफ रोम से सुल्तान मलिक शाह ऑफ रोम ने ज़्यादातर जंगें उन्होंने भी बाज़ंतीनियों के साथ ही रखी। उसके बाद उनके बेटे मसूद ने अब तख्त संभाल लिया। सुल्तान मसूद के अगले बेटे सुल्तान के बेटे खलीज अरसलान सोम दोम ने तख्त संभाल लिया। सुल्तान खलीज अरसलान दोम ने उसके उनकी औलाद के आगे सुल्तान सुलेमान ने अपना तख्त संभाल लिया। सुल्तान सुलेमान के दौर में तीसरी सलेबी जंग का आगाज़ हो चुका था, जिनकी वजह से ये सल्तनत बहुत ही जवाल परस्त हो रही थी। उनके आगे सुल्तान सुलेमान के आगे सुल्तान कलीज अरसलान सोम ने पाया ने तख्त संभाला। सुल्तान सुलेमान के दौर जब सुल्तान सुल्तान कलीज अरसलान दोम ने अपना जानशीन सुल्तान केकुरस को समझा, लेकिन सुल्तान सुलेमान ने केकुरस से अपना तख्त छीन लिया। उसके बाद सुल्तान सुलेमान के आगे सुल्तान कलीज अरसलान सोम बने। सुल्तान कलीज अरसलान सोम क्योंकि 1 साल ही क्योंकि हुकूमत कर सके, क्योंकि सुल्तान केकुरस ने अपना तख्त सुल्तान सुलेमान के बेटे से वापस छीन लिया, क्योंकि वो भी छोटा था। सुल्तान केकुरस ने अपनी हुकूमत शुरू की और एक बहुत ही सलजूक सत्र में शानदार दौड़ चला दिया। सुल्तान केकुरस के आगे सुल्तान केकाउस एक बेटा, उन्होंने अपनी हुकूमत बहुत ही ताकतवर बनाई। सुल्तान केकाउस क्या है, सुल्तान केकुबाद केकुबाद कि ने अपनी सल्तनत बहुत ही ताकतवर और आलीशान बनाई। लेकिन सुल्तान केकुबाद के वफात के बाद भी सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। उनके बेटे गियासुद्दीन केकुरस दोम ने मंगोलों के सामने अपने घुटने टेक कर बहुत बड़ी गलती की और सल्तनत जवाल परस्त हो गई। इस सल्तनत के ख़त्म होते एक नई सल्तनत की बुनियाद डली, जिसको ओटमन एम्पायर भी कहा जाता है, जो हलीमा सुल्तान यानी कि सुल्तान केको सुल्तान केकोबाद के एक भाई और भी था, जिसका शहजादा नुमान था। उसने बगावत कर दी थी, लेकिन उसका नाम उसकी बेटी ने फिर स्काई कबीले के सरदार अर्दो से शादी करके बेटा आया उसका सुल्तान उस्मान, वही ओटमन एम्पायर का पहला बादशाह था। तो 200 सलजूक सल्तनत ख़त्म हो गई मंगोलों से। जो ग्रेट सलजूक सल्तनत थी वो ख़त्म हुई ख्वारज्म शाह से। तो ये दोनों सल्तनत ख़त्म हो गई। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो यहीं थी, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।